हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। भाईजान इनकी भी सुन ले। सुनाए, मैं तो उस वक्त का ये सोच रहा हूँ कि ये जो भाई साहब है ये को अरब मुल्क से आए हैं या इनको सर को दर्द है? नहीं, अरब मुल्क से आए हैं लेकिन पाकिस्तानी है और वहाँ पे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा। और वहाँ पे पाकिस्तानी सफारतखाने के जो अहलकार हैं उनके रवैये से नाला है, बल्कि कहते हैं पंजाबी में नक्को नक आए हुए। नहीं तो वो सफारतखाने के किसी अहलकार को बुलाओ। उनको भी बुलाया हुआ है, ये वहाँ पे लेबर काउंसलर हैं मशरक़ वुस्ता के एक मुल्क में। अच्छा जी सर, मैं वही हूँ, मैं कोई वाटर सप्लाई नहीं करता। नहीं तो उधर क्या तकलीफ क्या है जी आपको भाई साहब? उधर मेरा कफील के साथ झगड़ा हुआ है। अच्छा, मारा मुझे कफील ने, साल की तनख्वाह मेरी नहीं दे रहा। अच्छा, और उल्टा मुझे अंदर करवा दिया वहाँ। हेलो भड़ा, फिर उन्होंने खरूज लगा के मुझे पाकिस्तान भेज दिया। अच्छा, फिर इन्हों को पूछो जिन्होंने मैं फोन करता रहा है, जिन्हों को मैं मदद मांगता रहा। नहीं तो भाई जी आप क्यों नहीं, आप लेबर काउंसिलर हैं तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी लेबर काम करती है आप उनकी क्यों नहीं मदद करते, क्यों नहीं उनके मसले हल करते? उधर आपकी ड्यूटी यही है या आपको उधर कल्टीन मिली हुई है ठेके पे? आप पहले तो इनसे ये पूछें कि एक मिनट, आप हजूरे वाला इनसे पूछें कि ये किस क्वालिफिकेशन की बुनियाद पे वहाँ पे लेबर काउंसिलर तैनात हुए। ये पहली बात तो ये है कि आप लगे उधर किस तरह थे जी? बताएं जी, साफ साफ बताना है किसने लगवाया था जी? मेरे चचा वजीर थे, उन्होंने लगवाया। ये मेरिट है जी। बहुत अच्छे। तो ये तो सारी दुनिया के अंदर यही चल रहा है ना जी, हमारी जितनी भी बाहर के मुल्कों में अम्बेसियां हैं तो फिर मसीहा खाने किस बात की है यार? जो कुछ दमाम में पाकिस्तानियों के साथ, सैकड़ों पाकिस्तानियों के साथ इतने दिनों से हो रहा है, फिर यही कुछ ही सामने आएगा ना? नहीं तो मगर वहाँ पे जो अम्बेसी वाले हैं उनको क्यों नहीं हुकूमत वाले पूछते कि भाई जी इनका मसला हल करवाए, वहां की हुकूमत से बात करें। जाहिर है हमारे लोगों की भी अगर कोई गलती है या कोई कसूर है तो उसका कोई अपात होना चाहिए। मेरी बात, दुनिया में जो दूसरे मुल्कों में काम करने के लिए लोग जाते हैं वो वहां पे जराइम भी करते हैं, छोटे जुर्म में भी मुलव्वस होते हैं, बड़े जुर्म भी करते हैं, लेकिन बात यह कि वहां पे मौजूद उन मुल्कों के जो सफारत खाने हैं वो उनके वाली वारस बनते हैं, वो उनकी माली मदद करते हैं, उनकी अखलाकी मदद करते हैं, उनकी कानूनी मदद कर भाई मेरी बारे सफारत खान। एक मिनट, अभी आप देख लो वो इस बंदे को हमारी गुफ्तगू से कोई गर्ज नहीं है, वो मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं। वो देख लो। नहीं, वो तो कान छोटा होने की वजह से गेम खेल रहा है। बात यह है हजूरे वाला कि पूरी दुनिया में क्राइसिस सिचुएशन में जितना अफसोसनाक रवैया पाकिस्तानी सफारत खानों का है कहीं और किसी मुल्क का सर प्लीज एक्सक्यूज मी, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात सर मेरी भी तो आप सुने। असल में मैं इनके पास किया हूं इनकी मदद के लिए तो कसूरवार यही निकले हैं। नहीं मगर देखें मेरी बात सुने, अभी जो हम मीडिया के ऊपर देखते हैं वो वहां पे सैकड़ों लोग हैं। एक अद्धा दो तीन चार चलो कसूरवार भी होंगे हम नहीं ये कहते, मगर कितने सारे बेचारे बेकसूर भी तो हैं ना, उनकी भी तो कोई सपोर्ट करनी चाहिए कि नहीं? और कर तो रहे हैं ना भाई, जो हमसे होता है वो हम करते हैं यार। क्या कर रहे हो उधर बताओ भी तो सही ना, को बैक एम्बेसी में स्वेटर ओन रहे हो? बिल्कुल स्वेटर ओनने वाली बात है। मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ कि ये दमाम में जो इतना बड़ा एक तरह से वो एक साने की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, अब होश आई है हमें और अभी भी हम कुछ नहीं कर रहे। हम ये टीवी पे सुनते हैं कि जनाब वजीर आजम ने इतने करोड़ रुपए इमदाद भिजवा दी, उस इमदाद का भी एक रुपया अभी तक मुतासरीन को दमाम में नहीं मिला। चलो दमाम को एक तरफ रहने दो, कतर में उससे भी ज्यादा खौफनाक सूरत पैदा होने जा रही है। वहां पे एक पाकिस्तानी कंपनी ने बिल्कुल बेयारों मददगार छोड़ दिया है सैकड़ों पाकिस्तानियों को, बिल्कुल वो दमाम से भी ज्यादा खौफनाक सूरत इख्तियार करता जा रहा है वहां का मामला। पाकिस्तानी कंपनी है, 6 माह से अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी हुई। उधर के सफारतखाने वाले उधर खजूरें लगाई हैं और वहां पर जो बेचारे मुतासरीन हैं उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन को खत लिखे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं अपने तौर पे, लेकिन सफारतखाना पाकिस्तान का दफ्तर खारजा। नहीं तो पता तो कराओ, शायद जो कतर में हमारे पाकिस्तानी सफारतकार हैं उस अमले को अरबी ना आती हो इसलिए वो उधर बात नहीं कर रहे। नहीं, अरबी आती है, यही वजह है कि वहां पे वो कंपनी की जो मैनेजमेंट है हमारा सफारतखाना उसकी मदद कर रहा है, मुतासरीन और मुलाजमीन की मदद नहीं कर रहा, बल्कि उनको एनओसी भी नहीं दिया जा रहा कि वो कहीं दूसरी कंपनी में
जॉब कर सके। सर आपने तो मुझे मेरी बात सुनने के लिए बुलाया था, आपने तो इल्जामात की बौछाड़ कर दी मुझ पे। बात आपकी क्या सुने, बात तो आपने अपनी सुना दी है कि आप अपने चाचे की वजह से वहां पे लगे हुए हैं। आप अगर अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से, अपनी काबिलियत की वजह से उधर लगे होते तो आप मसाइल हल करते। आपको पता है कि अगर मुझे इधर उधर हटाएंगे तो मैं फिर चाचे का फोन करा लूंगा। भाजन मसाइल इतने में अकेला आदमी किस तरह हल करूं? जनाब 3 महीने तो मैं इनसे मिलने की कोशिश करता रहा हूँ, रब्ता ही नहीं हुआ। अच्छा, अल्लाह अल्लाह करके रब्ता हुआ इनके स्टाफ से। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि साहब तो छुट्टी पे गए हैं पाकिस्तान। अच्छा, उसी दिन मैंने शाम को देखा कि साहब समंदर पे बड़ा कच्छा पहन के घूम रहे हैं। बात अच्छी है, खुद आप अगर छोटे से हैं तो कच्छा क्यों बड़ा पहन लिया जी? और आप यकीन करें इतने बुरे लग रहे थे कच्छे में। ये बताने की तो खैर जरूरत नहीं है, तफसील तो सोच के ही सामने आ गई। अगर मेरी गेम ना फंसी होती ना, मैं फिर तुम्हें बताता। अभी तो सिर्फ तुम्हारी गेम फंसी है ना, तुमने किसी दिन किसी केस में भी फंस जाना। तो उधर जो पाकिस्तानी फंसे हैं वो पता निकालने, पता कितने पाकिस्तानी फंसे हुए इस वक्त पूरी दुनिया में? कमोबेश 8,500 से ज्यादा पाकिस्तानी मुख्तलिफ मुल्कों की जेलों में बंद है, और उनमें से 4,500 से ज्यादा ऐसे हैं जो अरब मुल्कों की जेलों में बंद हैं, और अक्सरियत 70-80% ऐसे लोग हैं जो मामूली नौयत के केसेस में बंद हैं। अब सफारत खाने का ये फर्ज नहीं बनता कि उनकी इखलाकी माली कानूनी मदद करे, कोई पूछने वाला नहीं है। जाहिर है वो तो टीवी पे अब हर दूजे दिन यही तमाशा देख रहे होते हैं। हम अक्सर इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को यहाँ पाकिस्तान में कोई इस तरह का हंगामी बुनियादों पर कदम उठाना चाहिए कि जो पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की एक तरह से बेतौकीरी हो रही है, जिसकी हम दहशतगर्दी की सजा हम भुगत रहे हैं, उसके मुआवजे के तौर पर ही सही हम दुनिया को ये बावर तो करवाएं कि हम इस तहकीर के मुस्तहिक नहीं है, हमारी मदद की जाए। बिल्कुल जी, कम से कम हुकूमत को चाहिए कि इन सारे सफारतकारों के पहले कच्चे तो वापस मंगवाएं, ताकि ये समुद्र के कंडों पे सैर करनी तो बंद करें। तुम देखो कि पाक चीन दोस्ती बहुत फख्र के साथ हम उसका जिक्र करते हैं, हिमालिया से ऊंची, शहद से ज्यादा मीठी, लेकिन जो इस वक्त ग्राउंड फैक्ट है वो ये है कि किसी तरह से भी ऑफिशियली या अनऑफिशियली आप चाइना का वीजा हासिल नहीं कर सकते। जिनके 600-600 बंदे यहां पे अगर काम कर रहे हैं लेबर, तो 800-800 बंदा हमारा उनको गार्ड कर रहा है, ठीक है? और वहां पे आलम यह है कि वीजा नहीं मिल रहा पहली बात, दूसरा जो पाकिस्तानी जिस शहर का ज्यादा रुख करते हैं, जिस स्टेट का, वो ग्वांजू है। ग्वांजू में कुछ दिन पहले ऑफिशियली वहां के होटलों को मना किया गया है कि पाकिस्तानियों को ठहरने के लिए जगह ना दें। अब ये सफारत खाने का फर्ज नहीं बनता कि वो इस मामले को चीनी हुकाम के सामने उठाएं। बिल्कुल, उनको बताएं जी ये भी किराया देकर ठहरते हैं होटल में। हाँ। ये कौन सा बेचारे होटल के बरांडे में सांव के नाच जाते हैं। बाहर जाने की खुशी में जिन दोस्तों को मैंने मिठाई खिलाई थी, वो ही मेरी तरफ देख के हंस रहे हैं। बता दो, तुम्हारी मिठाई उस वक्त भी नहीं थी बनती, तुम्हें चाहिए था पकौड़े बांट देते। मुझे क्या पता था ये होना वहाँ। तुम लोग भी मिठाइयां खुआ खुआ के बाहर के मुल्कों में दौड़ने की कोशिश करते हो, इधर ही अगर मेहनत करके मिठाई बनानी शुरू कर दो, उतने पैसे इधर ही कमाने शुरू हो जाए। ओ, मुझे शुगर है जी, डॉक्टर ने मुझे मिठाई बनाने से मना किया है। अजी निया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। भाईजान इनकी भी सुन ले। सुनाए, मैं तो उस वक्त का ये सोच रहा हूँ कि ये जो भाई साहब है ये को अरब मुल्क से आए हैं या इनको सर को दर्द है? नहीं, अरब मुल्क से आए हैं लेकिन पाकिस्तानी हैं, और वहां पे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा। और वहां पे पाकिस्तानी सफारतखाने के जो अहलकार हैं उनके रवैये से नाला है, बल्कि कहते हैं पंजाबी में नक्को नक आए हुए। नहीं तो वो सफारतखाने के किसी अहलकार को बुलाओ। उनको भी बुलाया हुआ है, ये वहाँ पे लेबर काउंसलर हैं मशरक वस्ता के एक मुल्क में। अच्छा जी, सर मैं वही हूँ, मैं तो वाटर सप्लाई नहीं करता। नहीं तो उधर क्या तकलीफ क्या है जी आपको भाई साहब? उधर मेरा कफील के साथ झगड़ा हुआ है। अच्छा, मारा मुझे कफील ने, साल की तनख्वाह मेरी नहीं दे रहा। अच्छा, और उल्टा मुझे अंदर करवा दिया वहाँ। हेलो भड़ा, फिर उन्होंने क्रूज लगा के मुझे पाकिस्तान भेज दिया। अच्छा, फिर इन्हों को पूछो जिन्होंने मैं फोन करता रहा है, जिन्हों को मैं मदद मांगता रहा है। नहीं तो भाई जी आप क्यों नहीं, आप लेबर काउंसलर हैं तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी लेबर काम करती है आप उनकी क्यों नहीं मदद करते, क्यों नहीं उनके मसले हल करते? उधर आपकी ड्यूटी यही है या आपको उधर कल्टीन मिली हुई है ठेके पे? आप पहले तो इनसे ये पूछें कि एक मिनट पहले आप हजूरे वाला इनसे पूछें
ये किस क्वालिफिकेशन की बुनियाद पे वहां पे लेबर काउंसलर तैनात हुए? ये पहली बात तो ये है कि आप लगे उधर किस तरह थे जी? बताएं जी, साफ साफ बताना है, किसने लगवाया था जी? मेरे चचा वजीर थे, उन्होंने लगवाया। ये मेरिट है जी। बहुत अच्छे। तो ये तो सारी दुनिया के अंदर यही चल रहा है ना जी, हमारी जितनी भी बाहर के मुल्कों में अम्बेसियां हैं। तो फिर मसीहा खान ने किस बात की है यार, जो कुछ दमाम में पाकिस्तानियों के साथ, सैकड़ों पाकिस्तानियों के साथ इतने दिनों से हो रहा है, फिर यही कुछ ही सामने आएगा ना? नहीं तो मगर वहां पे जो अम्बेसी वाले हैं उनको क्यों नहीं हुकूमत वाले पूछते कि भाई जी इनका मसला हल करवाए, वहां की हुकूमत से बात करें। जाहिर है हमारे लोगों की भी अगर कोई गलती है या कोई कसूर है तो उसका कोई अपात होना चाहिए। मेरी बात दुनिया में जो दूसरे मुल्कों में काम करने के लिए लोग जाते हैं वो वहां पे जराइम भी करते हैं, छोटे जुर्म में भी मुलव्वस होते हैं, बड़े जुर्म भी करते हैं, लेकिन बात यह कि वहां पे मौजूद उन मुल्कों के जो सफारत खाने हैं वो उनके वाली वारस बनते हैं, वो उनकी माली मदद करते हैं, उनकी अखलाकी मदद करते हैं, उनकी कानूनी मदद कर भाई मेरी बात से भारत खान। एक मिनट अभी आप देख लो, वो इस बंदे को हमारी गुफ्तगू से कोई गर्ज नहीं है, वो मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं। वो देख रहे नहीं वो तो कान छोटा होने की वजह से गेम खेल रहा है। बात यह है हजूरे वाला कि पूरी दुनिया में क्राइसिस सिचुएशन में जितना अफसोसनाक रवैया पाकिस्तानी सफारत खानों का है कहीं और किसी मुल्क का सर प्लीज एक्सक्यूज मी, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात सर मेरी भी तो आप सुने। असल में मैं इनके पास किया हूं इनकी मदद के लिए, तो कसूरवार यही निकले हैं। नहीं मगर देखें मेरी बात सुने, अभी जो हम मीडिया के ऊपर देखते हैं वो वहां पे सैकड़ों लोग हैं। हाँ जी। एक अद्धा दो तीन चार चलो कसूरवार भी होंगे, हम नहीं ये कहते, मगर कितने सारे बेचारे बेकसूर भी तो हैं ना, उनकी भी तो कोई सपोर्ट करनी चाहिए कि नहीं? और कर तो रहे हैं ना भाई, जो हमसे होता है वो हम करते हैं यार। क्या कर रहे हो उधर बताओ भी तो सही ना, को बैक एम्बेसी में स्वेटर ओन रहे हो? बिल्कुल स्वेटर ओनने वाली बात है। मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ कि ये दमाम में जो इतना बड़ा एक तरह से वो एक साने की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, अब होश आई है हमें, और अभी भी हम कुछ नहीं कर रहे। हम ये टीवी पे सुनते हैं कि जनाब वजीर आजम ने इतने करोड़ रुपए इमदाद भिजवा दी, उस इमदाद का भी एक रुपया अभी तक मुतासरीन को दमाम में नहीं मिला। चलो दमाम को एक तरफ रहने दो, कतर में उससे भी ज्यादा खौफनाक सूरत पैदा होने जा रही है। वहां पे एक पाकिस्तानी कंपनी ने बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया है सैकड़ों पाकिस्तानियों को, बिल्कुल वो दमाम से भी ज्यादा खौफनाक सूरत इख्तियार करता जा रहा है वहां का मामला। पाकिस्तानी कंपनी है, छह माह से अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी हुई। उधर के सफारत खाने वाले उधर खजूरें लगाई हैं, और वहां पर जो बेचारे मुतासरीन हैं उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन को खत लिखे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं अपने तौर पे, लेकिन सफारत खाना पाकिस्तान का दफ्तर खारजा। नहीं तो पता तो कराओ, शायद जो कतर में हमारे पाकिस्तानी सफारतकार हैं उस अमले को अरबी ना आती हो इसलिए वो उधर बात नहीं कर रहे। नहीं अरबी आती है, यही वजह है कि वहां पे वो कंपनी की जो मैनेजमेंट है हमारा सफारत खाना उसकी मदद कर रहा है, मुतासरीन और मुलाजमीन की मदद नहीं कर रहा, बल्कि उनको एनओसी भी नहीं दिया जा रहा कि वो कहीं दूसरी कंपनी में जॉब कर सके। सर आपने तो मुझे मेरी बात सुनने के लिए बुलाया था, आपने तो इल्जामात की बौछार कर दी मुझ पे। बात आपकी क्या सुने, बात तो आपने अपनी सुना दी है कि आप अपने चाचे की वजह से वहां पे लगे हुए हैं। आप अगर अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से, अपनी काबिलियत की वजह से उधर लगे होते तो आप मसाइल हल करते। आपको पता है कि अगर मुझे इधर उधर हटाएंगे तो मैं फिर चाचे का फोन करा लूंगा। भाई जी मसाइल इतने, मैं अकेला आदमी किस तरह हल करूं? जनाब तीन महीने तो मैं इनसे मिलने की कोशिश करता रहा हूँ, रब्ता ही नहीं हुआ। अच्छा अल्लाह अल्लाह करके रब्ता हुआ इनके स्टाफ से। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि साहब तो छुट्टी पे गए हैं पाकिस्तान। अच्छा उसी दिन मैंने शाम को देखा कि साहब समंदर पे बड़ा कच्छा पहन के घूम रहे हैं। बहुत अच्छे, खुद आप अगर छोटे से तो कच्छा क्यों बड़ा पहन लिया जी? और आप यकीन करें इतने बुरे लग रहे थे कच्छे में। ये बताने की तो खैर जरूरत नहीं है, तफसील तो सोच के ही सामने आ गई। अगर मेरी गेम ना फंसी होती ना मैं फिर तुम्हें बताता। अभी तो सिर्फ तुम्हारी गेम फंसी है ना, तुमने किसी दिन किसी केस में भी फंस जाए तो उधर जो पाकिस्तानी फंसे हैं वो पता निकालने। पता कितने पाकिस्तानी फंसे हुए इस वक्त पूरी दुनिया में? कमोबेश 8,500 से ज्यादा पाकिस्तानी मुख्तलिफ मुल्कों की जेलों में बंद है, और उनमें से 4,500 से ज्यादा ऐसे हैं जो अरब मुल्कों की जेलों में बंद हैं, और अक्सरियत 70-80% ऐसे लोग हैं जो मामूली नौइयत के केसेस में बंद हैं।
اب سفارت خانے کا یہ فرض نہیں بنتا کہ ان کی اخلاقی مالی قانونی مدد کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ظاہر ہے وہ تو ٹی وی پہ اب ہر دوسرے دن یہی تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم اکثر اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ حکومت پاکستان کو یہاں پاکستان میں کوئی اس طرح کا ہنگامی بنیادوں پہ قدم اٹھانا چاہیے کہ جو پوری دنیا میں پاکستانیوں کی ایک طرح سے بے توقیری ہو رہی ہے، جس کی ہم دہشت گردی کی سزا ہم بھگت رہے ہیں، اس کے معاوضے کے طور پر ہی صحیح ہم دنیا کو یہ باور تو کروائیں کہ ہم اس تحقیر کے مستحق نہیں ہیں، ہماری مدد کی جائے. بالکل جی، کم از کم حکومت کو چاہیے کہ ان سارے سفارتکاروں کے پہلے کچھے تو واپس منگوائیں تاکہ یہ سمندر کے کنڈوں پہ سیر کرنی تو بند کرے. تم دیکھو کہ پاک چین دوستی بہت فخر کے ساتھ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، ہمالیہ سے اونچی، شہد سے زیادہ میٹھی، لیکن جو اس وقت گراؤنڈ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے بھی آفیشلی یا ان آفیشلی آپ چائنا کا ویزا حاصل نہیں کر سکتے. جن کے 600-600 بندے یہاں پہ اگر کام کر رہے ہیں لیبر، تو 800-800 بندہ ہمارا ان کو گارڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ عالم یہ ہے کہ ویزا نہیں مل رہا پہلی بات، دوسرا جو پاکستانی جس شہر کا زیادہ رخ کرتے ہیں، جس سٹیٹ کا، وہ گوانزو ہے. گوانزو میں کچھ دن پہلے آفیشلی وہاں کے ہوٹلوں کو منع کیا گیا ہے کہ پاکستانیوں کو ٹھہرنے کے لیے جگہ نہ دیں. اب یہ سفارت خانے کا فرض نہیں بنتا کہ وہ اس معاملے کو چینی حکام کے سامنے اٹھائیں. بالکل، ان کو بتائیں جی یہ بھی کرایہ دے کے ٹھہرتے ہیں ہوٹل میں، یہ کون سا بےچارے ہوٹل کے برانڈے میں سو کے نس جاتے ہیں. باہر جانے کی خوشی میں جن دوستوں کو میں نے مٹھائی کھلائی تھی وہی میری طرف دیکھ کے ہنس رہے ہیں. نتاجر تمہاری مٹھائی اس وقت بھی نہیں تھی بنتی، تمہیں چاہیے تھا پکوڑے بانٹ دیتے. مجھے کیا پتا تھا یہ ہونا ماں. تم لوگ بھی مٹھیائیاں کھوا کھوا کے باہر کے ملکوں میں دوڑنے کی کوشش کرتے ہو، ادھر ہی اگر محنت کر کے مٹھیائی بنانی شروع کر دو اتنے پیسے ادھر ہی کمانے شروع ہو جائے. اور مجھے شوگر ہے جی، ڈاکٹر نے مجھے مٹھائی بنانے سے منع کیا ہے. عظیم یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.